This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store, and by Medina Chicken World. एक लैंग्वेज एक शनाख्त की जो बात लगातार हो रही है तो वो हमारे राइट्स पे अलग अलग जो लोग हैं हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनके हक पे उनके राइट पे अटैक है। तो ये इलेक्शन जो है इसमें अगर फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत होगी तो आने वाले दिन जो है हिंदुस्तान के जो अकलियतें हैं जो दलित हैं जो बैकवर्ड्स हैं जो एग्रीकल्चर लेबर हैं जो औरतें हैं इन तमाम लोगों के लिए बहुत आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत आने वाली है। जिस तरह के हादसे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहे हैं ये आने वाले दिनों के लिए एक संकेत है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं और ख़ासकर जो उस आइडियोलॉजी को जो कम्युनल आइडियोलॉजी को अपोज करने वाले लोग हैं वो लोग एक तरफा होना चाहिए, अपना वोट बटने नहीं देना चाहिए। क्या आज मैं इस स्टेट को कांग्रेस के स्टेट से ठहर कर ये कहना चाहता हूँ कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में आने वाले वक्त में 50% खवातीन के लिए तहफीजात किए गए हैं। यहाँ पर भी कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई आजी उलमा इकराम ने अपोज नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया गया है 33% खवातीन के लिए, वो बिल पेंडिंग है। वो आज बार-बार से सुना करता बार-बार मेरे बहुत नजदीक दोस्त है मेरे छोटे भाई है वो कहा करते थे कि भाई अब अगर हम एमआईएम की इज्जत का सवाल है बाबा चली गई एमआईएम अब तुम तनाव तुम चल फर्क भी नहीं है तुम्हारा अब तुम उस पार्टी को छोड़ने के बाद में यतीमों में सियासी यतीम तो तुम क्या चाहते हो तुम अपने आप को शहर का बाप बनाना चाहते हो नहीं हो सकता तुम अभी बहुत छोटे हो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जवानी में आओ भाभी माँ से कुछ सीखो। आज आप देख रहे हैं कि जो है फिर कोई इलेक्शन आता है ताजमहल की बात करते हैं ये ताजमहल मुसलमानों का नहीं ये ताजमहल के अंदर बड़ा मूर्ति है तो बतलाना ये चाहता हूँ कि देश की सूरत हाल ये आज हमारे सामने हो जा रही है इसको हमें ध्यान रखना है। मेरे को तो नहीं आया आप लोगों में आया तो बोलिए कोई तो है चला विकास हुआ फिर उल्टा हमारी घर की माँ बहनों का रुपया भी ले गया पहले एक बोली था घर का पैसा नहीं छुआया चार मुनियों को बुलाया लूट लो राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंधकार पछताएगा जब जाएंगे प्राण कामयाबी हमारे आप तमाम जानते हैं कि हम इंसान साहब के इंतजाम के बाद जिम्मेदारी मुझ पर आई है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोग मुझे जिताएंगे तो मैं आप सबके काम करूंगी आप लोग डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। आप तमाम का शुक्रिया सिर्फ और भी कई जगह जाने का है इसलिए मैं अपनी जगह लेती हूँ शुक्रिया। एक विचारधारा के रंग पर आपके ना पुराने दोस्त है एक विचारधारा के रंग पर आपके और विचारधारा का आपस में टकराव में नतीजा था कि अमन आजादी मुल्क की अखंडता सार्वभौमियत के लिए बाबा मोहन ने जो कुर्बानियां दी थी विचारधारा का नुमाइंदा रामपुराम गोडसे महात्मा गांधी पर गोलियों की घोषणा करता है और महात्मा गांधी की शहादत हो जाती है। ऐसे हालात में एक मुस्लिम को नौजवान को राज्यसभा मेंबर के लिए 6 साल के लिए मुंतखब किया गया है तो मेरे और आपकी तरफ से अब ये तो इलेक्शन तक हम बात करते रहेंगे जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसके बारे में तफसील से किसी और जलसे में बात करूंगा क्योंकि नासिर साहब को और एक जगह जाना है मुझे भी उनके साथ जाना है।
इसलिए मैं ये माइक उनके हवाले करता हूँ बात करने का। कश्मीर का जिस तरह के हमारे नौजवानों को बताया जा रहा है, उनके ऊपर तहमत लगाई जा रही है, जिस तरह से उन लोगों को बाधित किया जा रहा है, जिस तरह से उन लोगों को डॉक्टर और हरास किया जा रहा है, इन डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा। और टेलीविजन के नाम पर जिस तरह के हम लोगों के नौजवान बच्चों को उठा उठा के ले जाके बंद कर रहे हैं, जिस तरह से नौजवान जो एजुकेटेड नौजवान लोग हैं उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो सर पे टोपी लेके This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newsun Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World.